सो जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और फिलहाल जो ये चाबी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 स्कोडा सलाविया। ये इसका एक्टिव मॉडल है, मतलब कि बेस मॉडल है, और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती सा वेरियंट है अगर आपको सलाविया की तरफ ही जाना है। तो इसमें आपको एक अच्छी प्रोफाइल मिल जाती है, जो प्राइस में इसका आपको बताने वाला हूँ। एक अच्छी प्रोफाइल मिल जाती है, एक ट्रस्ट मिल जाता है स्कोडा का, और एक ऐसी मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपको बोर नहीं होने देगी। अब इसका प्राइस आपको बता देता हूँ, इसके बेस वेरिएंट का जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ये आपको कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 11.53 लाख रुपीज़ एक शोरूम टेली फरीदाबाद के अंदर। अब इस प्राइस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें ये गाड़ी आपको ऑफर करती है 2024 में, उनकी बातचीत हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको चाबियाँ देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे ये जो इसकी फिजिकल की है वो इसकी मेन की है, इसी के थ्रू गाड़ी स्टार्ट होगी। इसके अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो नहीं आती। बाकी यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करें तो डोर्स को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और बूट को आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। और ये सेम कंट्रोल्स आपको दूसरी वाली चाबी पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो सेम कीज़ हैं दोनों। अभी इनको रख लेते हैं पॉकेट के अंदर और प्रोडक्ट की हम बातचीत करते हैं। तो जी, ये है इस गाड़ी की डायमेंशन, आप स्क्रीन के ऊपर देख लेना क्या लेंथ है इसकी, क्या विड्थ है और क्या हाइट है। बाकी सामने से देखोगे या फिर ओवरऑल, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसकी लुक्स के बारे में दो लाइन में कहना चाहूँ तो वो ये है कि ये एकदम प्रीमियम लगती है और एक लॉन्ग टर्म वाले डिज़ाइन लैंग्वेज अपने साथ कैरी करती है, जो कि आपको बहुत जल्दी से तो बोर डेफिनेटली नहीं होने देगा। डिज़ाइन लैंग्वेज की बातचीत करें तो बॉडी के ऊपर आप ये लाइन्स वगैरह देख सकते हो, काफ़ी शार्प एजेस आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे की साइड यहाँ की बातचीत करें तो हैलोजन बेस पूरा सेटअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। लो बीम हाई बीम दोनों के लिए अलग अलग चैम्बर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये इसके हैलोजन बेस इंडिकेटर्स हैं। नीचे यहाँ पे DRLs हैं, जो कि एक्चुअल में DRLs हैं, और नीचे एक साइड यहाँ पे कोई अपना क्या कहते हैं फॉग लैंप्स वगैरह वो नहीं है। टोइंग हुक की प्लेसमेंट है। ग्रिल जो है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बेस अच्छी है, बेस मॉडल ही क्यों ना हो। स्कोडा का यहाँ पे बीच में लोगो है, नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी। और सामने से जो ये एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया इसके एयर इनटेक के लिए काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है इस चीज़ के लिए भी। बाकी ये है इसकी साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हो काफ़ी स्लीक सी लगती है, काफ़ी एरोडाइनमिक सी लगती है अगर लुक्स वाइज आप बात करते हो। साइड की यहाँ पे बातचीत करें और ये छोटी छोटी लाइन जो मैं कह रहा था ना, बहुत शार्प सी प्रोफाइल है इसकी। जैसे कि ये लाइन आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेट लाइंस आपको देखने के लिए मिलती हैं। बाकी यहाँ की बातचीत करें तो टायर सेक्शन जो है फिलहाल यहाँ पे है 195/65 R15। और इन टायर्स की कंपनी की बात करें तो ये है सीएट के, आगे डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत करें तो ऑलमोस्ट 179 mm के आसपास की बहुत बेहतरीन सी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। स्कोडा यहाँ पे मेंशन है। और अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि सेडान मार्केट को दोबारा से रिवाइव किया है इन गाड़ियों ने, जैसे कि स्कोडा सलाविया और वॉक्सवैगन की वर्टस, तो इसमें मतलब मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों का रुझान अब SUV की तरफ ज़्यादा रहने लग गया। तो ये जब से मार्केट में आई हैं दो गाड़ियाँ, इन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से बूम किया है। बाकी वरना तो देखो, आपको बताइए, सदाबहार गाड़ी वो चली रही है काफ़ी लंबे टाइम से, बट एक ही ऑप्शन मार्केट में हो तो वो कोई मतलब मार्केट नहीं होती। होंडा सिटी भी है बट हर जगह उसकी पकड़ नहीं है, हर तरीके के बंदे को पसंद भी नहीं आती। सो आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ की बातचीत करें तो बॉडी कलर ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं, प्लेन विंडोज आती हैं, पिलर जो है मैट ब्लैक दिए हैं, कोई सनरूफ वगैरह नहीं आती, प्लेन रूफ आती है। ऊपर की साइड एक नॉर्मल एंटीना आपको मिल जाएगा। यहाँ की साइड से डलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल, ये सिंपल आपको टैप करना, जब गाड़ी आपकी अनलॉक होगी तो खुल जाएगा। गाड़ी लॉक होगी तो आप उसको कितना प्रेस कर लेना, ये नहीं खुलेगा। बाकी ये है इसकी साइड प्रोफाइल, बढ़िया सा ग्लास एरिया है। और पीछे की साइड आप आओगे तो ये देख लो कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे अपना डिफॉगर है, स्टॉप लैंप है, और ये पूरा LED सेटअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है शानदार सा। तीन पार्किंग सेंसर्स हैं। स्कोडा यहाँ पे मेंशन है, सलाविया यहाँ पे मेंशन है, नंबर प्लेट एज इट इज़ यहाँ पे आएगी जहाँ पे सलाविया लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो पूरी प्रोफाइल, पीछे की साइड आता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगने लग जाती है। नीचे की साइड आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी हैं, और एक अच्छी खासी डिज़ाइन लैंग्वेज है इसकी, ये आप देख सकते हो, जो कि स्कोडा ग्रुप की सभी गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलती है। अभी बूट भी आपको दिखा देता हूँ इसका। सो आई गेस यहाँ पे एक बटन आपको मिलनी चाहिए, जो कि है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और इसी तरीके से चाबी से भी ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो बटन आपको होल्ड कर दिए, सिंपली ये खुल जाएगा। बूट की बातचीत करें तो 521 liters की बहुत ही बेहतरीन सी बूट स्पेस यहाँ पे मिलती है। मतलब लिटरली आप देख सकते हो, बंदे दो हों, तीन हों, या फिर प्रॉपर पाँच बंदे हों, सबका सामान यहाँ पे ईजिली आ जाएगा। यहाँ पे बूट लैंप भी आपको मिल जाता है, सारी चीज़ें कवर्ड हैं, इवन ये चीज़ भी एकदम प्रॉपर कवर्ड है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। स्पेयर व्हील भी आपको साथ के साथ इसका दिखा देता हूँ। तो ये स्पेयर व्हील और आई गेस सेम ही है 195/65 R15, जी हाँ सेम टायर सेक्शन के साथ है, आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये आई गेस सेम ही कंपनी का भी है, जी हाँ, ये सीएट का ही टायर है। मतलब जो चारों टायर हैं वो सेम टायर यहाँ पे स्पेयर व्हील में भी आपको मिलता है, तो इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सो अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं और ड्राइवर साइड डोर से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, दरवाजों के अंदर जो वेट है,
एक नंबर, मज़ेदार। मतलब आप जितनी बार खोलोगे बंद करोगे एक सेटिस्फेक्शन जो है डेफिनेटली आपको मिलेगा। ट्रिम्स की यहाँ पे बातचीत करें तो ये बेशक से बेस मॉडल है कहने के लिए, बाकी यहाँ पे चीज़ें जो आप देखोगे जो डुअल शेड पैटर्न यहाँ पे है गाड़ी, उसकी वजह से प्रीमियम भी लगती है और एकदम डल भी नहीं लगती। बीच का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सटल सा आपको डिजाइन लैंग्वेज इसका लगेगा कलर टोन की वजह से। मतलब ऐसा नहीं है कि ना ज़्यादा डल लगेगी ना ज़्यादा ऐसा लगेगा भाई ब्राइटनेस के रूप में कुछ भी दे दिया हो, बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन आपको लगेगा बेस वेरियंट के हिसाब से। बाकी यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे फैब्रिक आपको दिया है, चारों पावर विंडोज और चारों की चारों वन टच अप डाउन आपको मिलती है। विंडोज़ के लॉक हैं, ORMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, डोर लेवर्स हैं, स्पीकर है बढ़िया एकदम, बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। सीट्स की बात करें तो सिक्स वे मैनुअल एडजस्टेड आपको फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, ये यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है। और अभी अंदर चलें उससे पहले दो तीन चीज़ें और देख लो, ये यहाँ पे लाइट लेवलिंग डायल है, ये लाइट्स के कंट्रोल हैं, नीचे तीन पैडल्स हैं, डेड पैडल के लिए यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट दी हुई है, बोनट खोलने के लिए यहाँ पे, और फ्यूल लिड खोलने के लिए कोई लीवर आता नहीं है इसके अंदर क्योंकि मैंने आपको बता दी वो टैप करके ही खुल जाता है सिंपल। अभी इंटीरियर में चलते हैं गाड़ी के और इंटीरियर की बातचीत करें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। अच्छी थर्ड आती है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन है दरवाजे लगाते टाइम भी और खोलते टाइम भी। और ये अभी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वर्क करती हैं और रिएक्ट भी करती हैं। तो ये है इसकी चाबी जिससे अभी यहाँ पे डाल देते हैं। ये लो जी, एक बार ऑन करते ही ये सब कुछ यहाँ पे ऑन हो चुका है। ये अभी एक सेकंड ऑफ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक की स्पीड पर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं, ऑन होती हैं तो कैसे रिएक्ट करती हैं ये आप देख लो। यहाँ पे 8000 तक की RPM है, 240 की टॉप स्पीड मार्किंग यहाँ पे दी हुई है, एनालॉग डायल्स यहाँ पे आते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसमें कोई कमी आपको नहीं लगेगी। बीच में एक MID आती है जिसमें गाड़ी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे, लाइक कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, आउटसाइड टेम्परेचर, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, टाइम वगैरह क्या है, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये चीज़ आपको सेट करनी हो तो अलग से यहाँ पे बटन भी आपको मिल जाती हैं। और यहाँ की बातचीत करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो थोड़े अपोजिट कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये चीज़ इसकी पासिंग के लिए, जो हम पासिंग के लिए लाइट देते हैं वो, और यहाँ से आप इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो अपने यूज़ करोगे। और इधर की बातचीत करें तो यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं राइट साइड में। अभी स्टेयरिंग की बात करें तो इस पर एक लेदर रैपिंग को अगर और एड ऑन कर दें हम, जैसे कि इसके अंदर आती होती, बट अभी स्टिल है नहीं, इस बेस वेरियंट के अंदर आती नहीं है, अगर आती तो कोई कह नहीं सकता था कि बेस वेरियंट है क्योंकि इतना प्रीमियम अपना स्टेयरिंग व्हील आपने किसी भी बेस वेरिएंट के अंदर नहीं देखा होगा। प्रॉपर क्रोम की लाइंस है, बिल्कुल टॉप मॉडल जैसा ही लगता है ये अगर एक लेदर रैपिंग और इसके ऊपर हो जाए। यहाँ पर अपने कंट्रोल्स मिल जाते हैं ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, वॉइस कमांड का प्रॉपर यहाँ पे फीचर है, और ये इस बीच वाली MID के कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ से ओवर चीज कर सकते हो। और ये देखो कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है इन चीज़ों को करके, और एकदम जो फीडबैक है इनका वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, ये देखो बहुत प्यारा। एयरबैग यहाँ पे वैजिंग मिल जाती है, टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील है ये, इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब ये तो थी यहाँ की बातचीत, डैशबोर्ड एक सेकंड दिखाता हूँ। ऊपर की साइड से हेडलाइनर जो आप देखोगे पूरा बेज में, तो जो ग्लो है केबिन के अंदर और जो एक वाइब है वो अच्छी मेंटेन रहती है। यहाँ की बातचीत करें तो वैनिटी मिरर है, एयरबैग यहाँ पे वैजिंग मिल जाती है, वाइट लाइट आती है LED बेस वेरिएंट के अंदर जो कि अच्छा खासा थ्रो देती हैं, सो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। और इसको एक समय बंद कर देते हैं। एक मैनुअल डिमिंग IRVM है और इधर की साइड टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। अभी डैशबोर्ड की बातचीत करें तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे फ्लो जो है वो काफ़ी शानदार है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब ऐसे नोटिस में आएंगी कि हाँ बेस वेरियंट है, बट वो चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि यार क्यों ऐसा लिया हमने, सेपर ले लेते कुछ और ले लेते। अगर आपका बजट इतना ही है तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। यहाँ पे स्क्रीन आती है, थोड़ी छोटी आती है बट कनेक्टेड फीचर्स के साथ आती है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्लेस के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे AC वेंट्स हैं, और हाँ एक चीज़ ये देख लो कि बेस मॉडल में आपको टस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ये गाड़ी ऑफर कर दे रही है। यहाँ पे AC वेंट है, हेजा लाइट की बटन है, नीचे साइड मैनुअल AC कंट्रोल्स हैं, इधर की साइड आप देखो तो स्पेस वगैरह अच्छी मिल जाती है, रबराइज टेक्चर है, 6-speed का मैनुअल गियर लीवर है, और ये देख लो मतलब ऐसा छोड़ा नहीं इसको भी बिल्कुल, यहाँ पे भी क्रोम की रिंग दे दी है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये TPMS की जो टायर प्रेशर है उसे सेट करने के लिए दी हुई है, और यहाँ पे उसको लॉक करने के लिए बटन है, और आइडल स्टार्ट वाली बटन यहाँ पे मिल जाती है। हैंड ब्रेक अपना ब्लैक टिप के साथ, 12 का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बाकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ की बातचीत करें तो आप देख सकते हो बढ़िया स्पेस मिलती है, चीज़ें जो हैं क्वालिटी जो है, फिट एंड फिनिश जो है गाड़ी की उसमें आप 1% भी कंप्लेन नहीं कर सकते
इसके बारे में मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ये लगता है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के एक्सपीरियंस के बारे में, ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, तो आप खुश रहोगे। बाकी ये सारी चीज़ें थी यहाँ से, अभी चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे। ये एक सेडान है तो उसके हिसाब से पीछे का कंफर्ट भी एक टॉप नॉच चीज़ है इसके अंदर। वो चीज़ कैसी है, कंफर्ट कैसा है, कंट्रोल्स क्या है, उनकी भी एक बार फटाफट से बातचीत कर लेते हैं। अभी चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे और पीछे क्या कंट्रोल है, क्या कंफर्ट है, उसकी बातचीत करते हैं। जो कि आपको वीडियो में तो देखो मैं बता सकता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से हैं, क्या एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। आप वो चीज़ नोट करो और उस हिसाब से आप गाड़ी को जज करो, जाओ एक बार एक्सपीरियंस करो और आप देखोगे कि सेम वही चीज़ आप फील करोगे जो मैं आपको बता पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो किस तरीके से चीज़ वो आपको बताता हूँ। डोर ट्रिम आप देख लो, यहाँ पे एज इट इज़ फैब्रिक है। ये बेज हाईलाइट थोड़ी यहाँ पे मिल जाती है। पावर विंडो की कंट्रोल है, चीज़ें काफ़ी स्टडी फील होंगी आपको, बिल्कुल भी लूज सा फील नहीं होगा। डोर लिवर है ब्लैक कलर का, यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह है। अभी अंदर चलते हैं, अभी स्पेस दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी के अंदर। सो 5'9" मेरी हाइट है और ये देखो थोड़ी सी सीट्स मतलब ऐसे नहीं है, थोड़ी सी ऐसे हैं आगे की साइड से उठी हुई, तो एकदम बढ़िया सी अपनी जो पोजीशन पे आप आ जाते हो जिस तरीके की गाड़ी है उस हिसाब से जो स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। ये आप देख सकते हो लेग रूम कितना है मेरे पास, लिटरली मैं टच नहीं कर पा रहा अपने नीज को, इतना लेग रूम है। थाई रूम में कोई 1% का इशू नहीं है मुझे, 5'9" मेरी हाइट है, वो चीज़ आप याद रखना। हेड रूम आप देख लो कितना है मेरे पास, मैं आराम से यहाँ पे बैठा हूँ। सो अगर आपको ऐसा है कि पीछे बैठ के ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है और या फिर आप जब निकलते हो लंबा निकलते हो, सो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा फील नहीं होने देगी कि आप थक चुके हो या फिर आपको थोड़ा रेस्ट जल्दी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है। हम पर बिल्कुल थोड़ा सा ही है तो 3 बंदे यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी स्पेस वगैरह मिल जाती है, पॉकेट नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे भी पॉकेट नहीं है। और पीछे देख लो जैसे दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, 1, 2, 3, 4 क्रैब हैंडल्स आते हैं। पीछे प्रॉपर व्हाइट लाइट्स मिलती हैं आपको LED वाली, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अपना एडजस्टेड हेडरेस्ट मिल जाता है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देख सकते हो आप आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये है सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया एकदम। अब इस गाड़ी का इंजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहने में नंबर्स में आप देखोगे ना 1 लीटर का, तो देखने में ऐसा लगेगा भाई बहुत छोटा सा इंजन है, बस उसकी पावर फिगर जो है वो शॉकिंग है। आपको इतना गजब का जो है थ्रिली इंजन देगा अगर इससे ऊपर आपने ले लिया कुछ, तो बस वो तो मतलब मोस्ट इंजन है। बाकी ये इंजन इस गाड़ी के हिसाब से आपको बहुत ज़बरदस्त पावर डिलीवर कर देता है। क्या है वो इंजन, किस तरीके का दिखता है, उसकी भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। हाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में। तो बात करें इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो आपको नहीं मिलती है। बाकी उससे हट के इंजन की हम बातचीत करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 113 BHP, 178 Nm का टॉर्क, 45 लीटर्स की फ्यूलिंग कैपेसिटी गाड़ी में साथ कैरी करती है, जिससे 19 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है। सो ये है आपके सामने इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, नीट एंड क्लीन सा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो बढ़िया है। और ये हैं सारी चीज़ें, एक सेकंड इसको बंद कर लेता हूँ फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थी आपके सामने 2024 स्कोडा सिलविया एक्टिव, बेस वेरियंट था इसका ये। क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में इस प्राइस पॉइंट पर, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताना। और अगर कोई ओन करता है तो रियल लाइफ में ये गाड़ी कैसा बिहेव करती है, वो चीज़ प्लीज़ ज़रूर शेयर करना कॉमेंट्स में। अगर कोई प्लान कर रहा है तो आपकी एक अच्छी कॉमेंट से किसी को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो ज़रूर से शेयर करना अपनी जो फीडबैक्स है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।